हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू स्टडी आई क्यू जुडिशरी आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में

कि हम आपको 1100 प्लस लाइव आवर क्लासेस प्रोवाइड करते हैं 100 नोट्स प्रोवाइड करते हैं लेक्चर नोट्स प्रोवाइड करते हैं डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराते हैं और इतना ही नहीं आपको एक मेंटर भी अलॉट किया जाता है जो आपको हेल्प करता है इस पूरी जर्नी में सो so, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो जेनुअन सीरियसली अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो ट्रस्ट मी जस्ट गो एंड एनरोल टू दिस लाइफ फाउंडेशन बैच इस लाइफ फाउंडेशन बैच का जो प्राइस है वो है आपका ट्वेंटी फोर थाउजेंड ट्रिपल नाइन तो जब आप यूज करेंगे प्रोमो कोड श्री लाइफ तो आपको मिलेगा सबसे ज्यादा डिस्काउंट स्टडी आईक्यू जुडिशरी के वेबसाइट पे आपको कोई भी कोर्स परचेज करना हो और अवेल करना हो सबसे ज्यादा डिस्काउंट तो यूज करें प्रोमो कोड श्री लाइफ और यहाँ पे आपको लाइफ फाउंडेशन बैच मिल जाएगा सिर्फ तेईस हजार चौबीस हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए में प्रोमो कोड श्री लाइव से और एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो ये चौबीस हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए आपसे लिए जा रहे हैं ये दो सालों के लिए हैं दैट मीनस यहाँ पे आपका पूरा कोर्स एक साल में कवर अप करा दिया जाएगा और एक साल आपके पास इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी आप मल्टीपल टाइम्स कोर्स की कोर्स uh, की वीडियोस को कोर्स में जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं आप उसको मल्टीपल टाइम देख सकते हैं इनफैक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर इतने अमेजिंग फीचर्स के साथ ये लाइफ फाउंडेशन बैच है आपके लिए जिसकी क्लासेस बारह जुलाई से स्टार्ट हो रही है जल्दी से जाके एनरोल कर लें और जो ये सेशन की पीपी

अब सेक्शन 15 समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 13 और 14 किसकी बात करता है नाउ टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर 13 एंड 14 फर्स्ट एक बस एक आइडिया दे रही हूँ एक ग्लिम्स दे रही हूँ ऑलरेडी डिटेल में मैं इससे पहले वाले लेक्चर में इसको कवर अप कर चुकी हूँ अब यहाँ पे सेक्शन नंबर 13 जो है वो बात करता है अनबोर्न चाइल्ड को अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है सेक्शन नंबर फोर्टीन क्या बात कर रहा है रूल अगेंस्ट पॉपोर्चुनिटी कि कितने टाइम तक आप प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हो मैक्सिमम लिमिट क्या है Now, 13 ka, जल्दी से आपको एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा doing, right? तो यहां पे 13 में, क्योंकि आपका सेक्शन नंबर 5 में यह बता रखा है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है इंटरवाइवोस इंटर अब अनबोर्न पर्सन के लिए अगर आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो वो आप कर सकते हो बट उस पर्टिकुलर केस में आपको एक प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है एक लिमिटेड इंटरेस्ट देना होता है फॉर एग्जाम्पल ए अगर एक्स को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है उसके लाइफ टाइम तक उसके बाद कहता है कि अनबोर्न के इंटरेस्ट के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो यहां के, के जिंदा रहते रहते ये जो है पैदा हो जाए और प्लस मेजर हो जाए तो फिर उसको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी उसको ये प्रॉपर्टी उसके बेनिफिट के लिए ट्रांसफर हो जाएगी नाउ यहां पे सेक्शन थर्टीन की एक यूनिकनेस क्या है कि यहां पे लिखा है कि ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबोर्न चाइल्ड अनबोर्न चाइल्ड के बेनिफिट के लिए आप

अब फिफ्टीन में क्या कहता है 15 की जो हेडलाइन है, वो हेडलाइन अगर आप देखो तो उस हेडलाइन में क्या दे रखा है, है यहाँ पे एंड इज बाई आई टू सिंपलीफाई क्या कहता है कि अगर मान लो एक क्लास ऑफ पर्सन के लिए ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए देखो पहले लैंग्वेज समझते हैं फिर मैं आपको समझाऊंगी तो अच्छे से समझ में आएगा आपको दैट

लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया और ये कहा कि जो ये एक्स है ये किन किन के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे वाई के लिए जेड के लिए अनबॉर्न ए वन के लिए अनबॉर्न टू के लिए ठीक है कि भाई तुम्हारे जब ये चार बच्चे पैदा हो जाएंगे और मेजर हो जाएंगे तो इनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी अब यहाँ पे क्या हुआ कि प्रॉपर्टी लाइफ इंटरेस्ट इसलिए क्रिएट किया क्योंकि यहाँ पे एक ही इंटेंशन क्या थी कि वो इन अनबोर्न के लिए क्या करे एक लाइफ इंट एक बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है यहाँ पे नाउ यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये एक्स पर्सन है उसकी लाइफ इसके अब ये मर गया ठीक है अब ये एक्स पर्सन जो है मर गया अब जैसे ही ये मरा उस टाइम पे वाई जो है 28 साल का था जेड जो है आ, आपका 26 इयर्स का था और अनबॉर्न वन जो है नाइनटीन ईयर्स का था और ये अभी पैदा नहीं हुआ ये ये पैदा नहीं हो पाया ठीक है बिकॉज ही डाइड तो ये पैदा नहीं हो पाया तो सेक्शन नंबर 15 क्या कन्वे कर रहा है सेक्शन नंबर 15 ये कह रहा है कि पूरे क्लास ऑफ पर्सन के लिए फेल नहीं होगा इंटरेस्ट सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में इंटरेस्ट फेल होगा बाकी सब के लिए क्योंकि यहाँ पर यह अट्ठाईस साल का है मेजर है ये छब्बीस साल का है मेजर है ये उन्नीस साल का है मेजर है तो इन सब के लिए जो इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है वो वैलिड होगा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था कि ए जो है

और आपका वन टू क्या है है क्लास क्लास ऑफ़ ऑफ़ पर्सन पर्सन जब इन के लिए आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो यहाँ पे अगर मान लो एक पर्सन के खिलाफ इंटरेस्ट फेल हो गया तो वो सबके खिलाफ इंटरेस्ट फेल नहीं माना जाएगा और यही बात सिंपली आपकी बता रखी है सेक्शन नंबर फिफ्टीन में यही बात आपकी सेक्शन नंबर में स्पेशली बता रखी है नाउ रेज जस्ट रीड द की लैंग्वेज आपको बहुत आराम से समझ में आएगा दैट इफ द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट इज देयर एन क्रिएटेड इन बेनिफिट फॉर द बेनिफिट ऑफ क्लास ऑफ पर्सन हमारे एग्जाम्पल में बेनिफिट ऑफ क्लास ऑफ पर्सन कौन थे वाई जेड अनबॉर्न वन एंड अनबॉर्न टू ये लोग थे राइट right. अब इनके बेनिफिट के लिए इन क्लास ऑफ पर्सन के बेनिफिट के लिए प्रॉप एक इंटरेस्ट क्रिएट किया विद रिगार्ड टू सम ऑफ होम सच इंटरेस्ट फॉल्स बाय रीजन ऑफ एनी रूल्स कंटेन अंडर सेक्शन 13 एंड 14 अब यहां पे देखो इस एग्जांपल में जो ये अनबॉन्ड टू जो है नहीं हुआ ठीक है अनबॉन्ड टू पैदा नहीं हुआ तो यहाँ पे जब वो पैदा नहीं हो तो ऑफकोर्स इंटरेस्ट सेक्शन 13 का वॉयलेशन हो रहा है यहाँ पे तो रूल्स जो आपके सेक्शन 13 और 14 को वायलेट कर रहे हैं वो एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि पूरे क्लास के लिए वायलेट नहीं हो जाएगा वो जो इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है वो कुछ के लिए ही होगा उन्हीं के लिए फॉल करेगा जो uh, जिनके लिए रूल थर्टीन और फोर्टीन एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है नॉट जस्ट 14 such fails in to those only, सिर्फ बी टू के लिए जो ये आपका अनबॉन्ट टू है उसके रिस्पेक्ट में ही इंटरेस्ट आपका फेल होगा नॉट रिगार्ड टू होल ऑफ द्लास पूरे क्लास के लिए नहीं होगा पूरे क्लास के लिए जो इंटरेस्ट बनाया गया है वो वैलिड माना जाएगा आई होप इट इज क्लियर नाउंड

अल्टीमेटली बेनिफिशरी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलती है राइट प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक कर जाती है बट सेक्शन 15 क्या कहता है ये प्रोवाइड करता है, दैट वेयर प्रॉपर्टी इज़ ट्रांसफर्ड फॉर बेनिफिट ऑफ क्लास ऑफ अनबर्स द ट्रांसफर फेल्स विद रिगार्ड टू ओनली सम ऑफ देम सेक्शन थर्टीन एंड फोर्टीन पर्टिकुलर पर्सन के रिस्पेक्ट में वही होता है आपका राइट नाउ इट फेल्स इन रिगार्ड टू ओनली दो आर एबल टू टेक बिकॉज ऑफ द रिमोटनेस ऑफ सेक्शन नंबर सेक्शन अब यहाँ पे देखो क्या कहता है कि भाई कोई एक पर्सन अगर थर्टीन और फोर्टीन के रूल्स की वजह से नहीं ले पा रहा है तो आप सबके लिए उसको वॉइड नहीं कर दोगे बस इतनी सी बात आपके सेक्शन नंबर फिफ्टीन में कन्वे कर रखी है द ट्रांसफर टू रिगार्ड टू दी अदर ट्रांसफरीज इज इज वैलिड एंड इट विल टेक इफेक्ट और वो आपका वैलिड माना जाएगा और उसका इफेक्ट होगा

तो उसको क्या जाएगा एप्सल्यूट इंटरेस्ट उसको क्या जाएगा एप्सल्यूट इंटरेस्ट जाएगा और अगर उसको बेटी हुई ठीक है बॉय चाइल्ड हुआ या फिर गर्ल चाइल्ड हुई तो गर्ल चाइल्ड के केस में उसको मिलेगा लिमिटेड इंटरेस्ट लिमिटेड इंटरेस्ट नाउ कम टू द रूल गिवन अंडर सेक्शन थर्टीन सेक्शन थर्टीन में मैंने क्या बताया था कि भाई के के बेनिफिट लिए आप आप जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे उसको इंटरेस्ट सेक्शन थर्टीन का यहाँ पे वॉयेशन हो रहा है क्लियर कट क्योंकि भाई, यहाँ पे अनबोर्न है ये भी अनबोर्न है ये बेटी भी अनबोर्न है अनबोर्न चाइल्ड अगर बेटी हुई तो उसको आप लिमिटेड इंटरेस्ट दोगे और अगर अनबोर्न चाइल्ड बेटा हुआ तो आप उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दोगे और अगर एक्स को वो मर गया इशूलेस इशूलेस मतलब कि कोई भी बेटा और बेटी नहीं हुए तो ये प्रॉपर्टी जाएगी जेड पर्सन को ये प्रॉपर्टी जाएगी जेड पर्सन को तो सेक्शन 16 क्या कहता है कि अगर प्रायर इंटरेस्ट फेल हो जाता है तो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट भी फेल हो जाता है अब यहाँ पे क्योंकि जो ये अनबोर्न टू जो अनबोर्न की जो ये कंडीशन है कि लड़की होगी तो लिमिटेड इंटरेस्ट होगा ये वॉयलेशन हो रहा है सेक्शन नंबर थर्टीन का एंड दैट इज वाई यहां पर प्रायर इंटरेस्ट जो है वो फेल हो गया इसलिए इसको भी प्रॉपर्टी नहीं जाएगी इसलिए को भी नहीं मिलेगी तो क्योंकि प्रायर इंटरेस्ट फेल हो गया तो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट भी फेल माना जाएगा और यह बात आपकी कन्वे कर रखी है सेक्शन नंबर सिक्सटीन में नॉल जस्ट रीड सेक्शन नंबर क्या कहता है दैट वे बाई रीजन ऑफ एनी रूल

फेल हो जाता है वो इन रिगार्ड टू सच पर्सन और द होल ऑफ सच क्लास एनी इंटरेस्ट क्रिएटेड इन द सेम ट्रांजेक्शन अगर आपने वो इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है किया है सेम ट्रांजेक्शन में एक ही ट्रांजेक्शन में अब हमारे एग्जाम्पल में एक ही ट्रांजेक्शन में एक्स को लाइफ इंटरेस्ट दिया गया ये कहते हुए कि बेटा हुआ तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जाएगा और बेटी हुई तो लिमिटेड इंटरेस्ट जाएगा सेम ट्रांजेक्शन में हुआ है तो जहां पे आपने सेम ट्रांजेक्शन में कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया है एंड इंटेंडेड टू टेक इफेक्ट आफ्टर और अपॉन द फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट आल्सो फेल्स ठीक है तो यहां पे प्रायर इंटरेस्ट फेल हो गया तो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट आपका यहां पे फेल हो जाएगा मतलब प्रॉपर्टी क्योंकि सेम ट्रांजैक्शन में हुआ है तो वो प्रॉपर्टी जेड को भी नहीं जाएगी हमारे एग्जांपल में आई होप इट इज क्लियर नाउ मूविंग अहेड आगे देखो सेक्शन सिक्सटीन को ही आगे एलोबरेट किया गया है समझाने के लिए यहाँ पे कहता है कि सेक्शन uh, अच्छा जस्ट गिव मी अप इफ इट इज क्लियर सेक्शन नंबर आपको सिक्सटीन और फिफ्टीन क्लियर हुआ गिव मे थाम्स अप कम ऑन क्लियर हुआ चलो

जाएगा वो अगेंस्ट है नंबर सेक्शन थर्टीन के ठीक है सेक्शन थर्टीन में जो रूल दे रखा है उसके अगेंस्ट है तो यहां पे कहता है दैट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज योर यायर इंटरेस्ट जो आपने अर्लियर इंटरेस्ट बनाया वो फेल हो गया बिकॉज ऑफ थर्टीन और फोर्टीन द सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट ऑल्सो फेल्स तो जो बाद वाला इंटरेस्ट है कि प्रॉपर्टी जेड को जाएगी वो भी आपका फेल माना जाएगा क्लियर नाउ दिस इज अ कॉमन सेंस रूल एंड इट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ दैट द लिमिटेशन फॉलोइंग अपन द लिमिटेशन व्हिच आर वॉइड फॉर पर्पोचुटी आर देमसेल्फ वॉइड विद इन द पर्पोचुटी और नॉट ठीक है अब बेसिकली क्या कहता है

फेल हो जाता है ठीक है वो आपका फेल माना जाता है नाउ इन एनी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इफ देर आर टू सक्सेसिव क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट अगर आपने दो लगातार जो है क्रिएट किया है इंटरेस्ट वन आफ्टर दर एक के बाद एक अगर आपने क्रिएट किया है द लेटर क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट वुड बी सब्जेक्ट टू दैलिडिटी ऑफ द प्रायर वन ठीक है वो डिपेंड करेगा कि पहला वाला इंटरेस्ट जो आपने बनाया है वो वैलिड इंटरेस्ट है या नहीं ठीक है तो जो लेटर क्रिएट किया है आपने इंटरेस्ट वुड बी सब्जेक्ट टू तो द वैलिडिटी ऑफ द प्रायर वन एंड दिस इज सो बिकॉज़ द लेटर क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन दी अर्लियर वन तो जो बाद वाला आपका इंटरेस्ट है वो क्योंकि डिपेंडेंट है कि भाई लड़का और लड़की नहीं हुए

ट्रांसफर uh, है जो आपने इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है वो वॉइड हुआ है बिकॉज क्यों हुआ है वॉइड क्योंकि सेक्शन और का कहीं ना कहीं है कहीन है ये सेक्शन जो तभी एप्लीकेबल होता है जहां पे प्रायर इंटरेस्ट फेल हो जाता है बिकॉज सेक्शन और की फुलफिल नहीं हुई है बट नॉट अदरवाइज बस जनरली से इतनी बात याद ध्यान रखना कि सेक्शन सिक्सटीन में ये कन्वे किया गया है कि भाई अगर सेक्शन थर्टीन और फोर्टीन का वॉयेशन हो रहा है और उसकी वजह से ठीक है इंटरेस्ट जो क्रिएट किया है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा तो तभी वो वॉइड होता है ठीक है उसी सिचुएशन में प्रायर इंटरेस्ट

25 द सबसिक्वेंट इंटरेस्ट वुड फेल बट नॉट अंडर सेक्शन नंबर 16 अब सेक्शन नंबर 25 जो हम आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे वो एक अलग चीज है वो वाला केस आपका सेक्शन नंबर 16 में नहीं होता सेक्शन नंबर 16 आपका तभी एप्लीकेबल होता है जहां पे आप कोई आपका कोई प्रायर इंटरेस्ट फेल हो रहा है क्यों फेल हो रहा है बिकॉज़ सेक्शन नंबर 13 और 14 के रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं इसलिए नाउ यहां पे एक एग्जांपल है फॉर एग्जांपल ए ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ ठीक है अब ए ने प्रॉपर्टी जो है बी को दी जिंदगी भर के लाइफ इंटरेस्ट बनाया उसको ऑन अ कंडीशन दैट बी कमिट्स द मर्डर ऑफ एक्स इस कंडीशन में कि बी जो है एक्स का मर्डर करेगा अभी कंडीशनल ट्रांसफर की बात हो रही है यहां पे ठीक है अब इस कंडीशन पे कि बी जो है एक्स का मर्डर करेगा एंड देर आफ्टर दी प्रॉपर्टी शैल गो टू सी एप्सोलूटी और उसके बाद प्रॉपर्टी जो है सी को एप्सोलूटी चली जाएगी नो इस पर्टिकुलर केस में द ट्रांसफर इन फेवर ऑफ सी शैल फेल बिकॉज इट्स प्रायर ट्रांसफर इज वॉइड ठीक है अब इस सिचुएशन में एज पर सेक्शन नंबर ट्वेंटी कंडीशनल ट्रांसफर की बात कर रहे हैं हम ठीक है उसके हिसाब से यहाँ पे क्योंकि प्रायर क्योंकि जो प्राय ट्रांसफर वॉइड है इसकी वजह से यहां पे जो प्रॉपर्टी है वो जो सी के फेवर में जाने वाली थी वो फेल हो जाएगी क्योंकि बिकॉज बिकॉज द प्राय ट्रांसफर इज वॉइड एज पर सेक्शन ट्वेंटी राइट तो ये उसका एग्जाम्पल है विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल जब हम सेक्शन नंबर ट्वेंटी से लेके उस पूरे एरिया को कवर अप करेंगे नाउ वेरा पर्सन मेक्स अ गिफ्ट अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज सुनो

14 के जो रूल्स हैं वो वॉयलेट हो रहे हैं एंड एन अल्टरनेटिव इंडिपेंडेंट गिफ्ट

इंटरेस्ट फेल हुआ वैसे ही सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट आपका फेल माना जाएगा क्लियर नाउ इन द केस ऑफ जेवर भाई वर्सेस कबली भाई अ प्रॉपर्टी वॉज बिक इन फेवर ऑफ टू पर्सन देयर लाइफ दो लोगों को दिया गया उनको लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया एंड देर आफ्टर टू दिल इशूज ऑफ वन ऑफ देख नॉ फेलिंग विच ही पॉवर ऑफ अपॉइंटमेंट उसके बाद उनको एक इंडिपेंडेंट से पावर ऑफ अपॉइंटमेंट का नॉ इन ऑफ मेल इशू मेल इशूल्ट में फेवर ऑफ डॉटर ठीक है फिर उसको डॉटर के फेवर में बना दिया नो इट वॉज हेल्ड बाई दर्ट दैट दी विल टू द मेल इशू वॉज वाइड मेल इशू के लिए तो वो वाइड थी बट जो इंडिपेंडेंट आपने जो पावर दी थी अपॉइंटमेंट की वो आपका वैल्यू ड रहेगा वो जो है आपका वैलिड माना जाएगा ये आपका इस पर्टिकुलर केस में कहा गया था राइट अगेन इंडिपेंडेंट है अगर आपका इंडिपेंडेंट सेपरेट फुटिंग पे है तो उस पर्टिकुलर केस में वो आपका वैलिड माना जाएगा करे कि क्या समझ में आया सेक्शन नंबर से तो यही बहुत क्लियर पिक्चर है कि भाई सेक्शन 16 में कहता है तभी एप्लीकेबल होता है जहां पे आपने कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया और वो उस इंटरेस्ट ने कोई सेक्शन 16 के रूल के रूल्स या फिर 14 के

गुजरात uh, जुडिश्री की हाँ मेजर सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ लाइव फाउंडेशन बैच में पढ़ाए जाते हैं एंड वी कैन टॉक अबाउट इट यू कैन कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम वी कैन टॉक अबाउट इट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हि इन रिस्पेक्ट ऑफ डॉक्टर ऑफ एक्मिलेशन अब डॉक्टर ऑफ एक्मलेन होता क्या है देखो एक्यूमलेन करने का क्या मतलब है इकट्ठा करना वेन यू आर एक्यूमिलेटिंग इट राइट अब यहाँ कहता है कि मान लो ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी ठीक है बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी और ये है उसकी प्रॉपर्टी मेरी ड्राइंग बहुत सुंदर है एनीवेज ये है उसकी प्रॉपर्टी अब यहां पे जो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी ये कहा कि जो भी इनकम है इसका ठीक है जो भी इनकम आ रहा है वो ए रखेगा दैट इज वॉट इज एक्यूमेशन दॉ एक बहुत सिंपल सी बात है यही बात आपके सेक्शन नंबर सेवनटीन में बता रखी है और उसमें एक टाइम भी बता रखा है कि कब तक जो है जो ट्रांसफरर है वो इस प्रॉपर्टी से इनकम ले सकता है कब तक वो इनकम को एक्यूमुलेट कर सकता है और उसके क्या एक्सेप्शन है प्रिलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर सेवेंटीन डॉक्टर ऑफ एक्यूमुलेशन कहते हैं इसको और मेन्स एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट में आपसे आ जाता है पूछने के लिए डॉक्टर ऑफ एक्यूमुलेशन क्या होता है नाउ जस्ट रीड दिस एज पर सेक्शन इलेवन अच्छा चलो सेक्शन इलेवन हमने पढ़ा था आ, तो सेक्शन इलेवन में मैंने क्या बताया था आपको कि सेक्शन इलेवन में मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर करी और उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो रिस्ट्रिक्शन तो आगे 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 को तो वो आपकी, 10, 11, क्या है? वो कि मैंने कंडीशन लगा दी एलिनेशन पे कि आप प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाओगे आगे जिंदगी भर के लिए अगर मैंने ऐसे कंडीशन लगा दी कि ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी और ए ने इस कंडीशन से ट्रांसफर करी कि तुम आगे इसको जिंदगी भर नहीं बेच पाओगे तो जो कंडीशन है वो क्या है वो वॉइड कंडीशन है क्योंकि तो आप जो है रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो उसको उसके एलिनेशन की पावर को वो प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ ना कर पाए बेच ना सके किसी को सेल के जरिए या आ, गिफ्ट ना कर सके इस तरीके से आपने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो जो, जो रिस्ट्रिक्शन जो है वो एज पर सेक्शन टेन इलेवन क्या है वॉइड है वो हम डिस्कस कर चुके हैं आप देख सकते हैं लेक्चर में नाउ एज पर सेक्शन इलेवन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एनी कंडीशन दैट इज रिपेगनेंट टू द इंटरेस्ट क्रिएटेड अगर आप कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से अगर आप प्रॉपर्टी को इंजॉय करने का हक जो है वो रोकते हो या उसको रिस्ट्रिक्ट करते हो या उसको रिस्ट्रेन करते हो तो दैट इज वॉइड ठीक है आप ये नहीं कह सकते किसी को कि मैंने प्रॉपर्टी दी है अब मैं आपको ये पेन दू और आपसे कहूँ की और आगे बेच ही सकते मैंने कहीं ना कहीं इसमें जो इंटरेस्ट क्रिएट किया वो एक रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया तो जो रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है वो वॉइड माना जाएगा ठीक है नाउ बट द डायरेक्शन ऑफ ऑफ accumulation, जहां पर यह डायरेक्शन दिया गया है कि इस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो दी जाएगी

ट्रांसफरर को मिले राइट right? तो ट्रांसफर ही कहेगा कि भाई मेरा तो राइट ऑफ एंजॉयमेंट कहीं ना कहीं नष्ट किया जा रहा है बट यहाँ पे जो सेक्शन नंबर 17 है आपका ये आपका एक तरीके का एक्सेप्शन बनकर आया सेक्शन 11 का तो so सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन नंबर 11 एंड

बट यहाँ पे जो सेक्शन नंबर 17 है इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफर यहाँ पे सेक्शन नंबर 17 में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ये एप्लीकेबल होता है आपके हर किसी हर तरीके के ट्रांसफर्स पे राइट नाउ डॉक्टर ऑफ एक्यूमुलेशन कह लो या डायरेक्शंस ऑफ एक्यूमुलेशन सेक्शन नंबर 17 में जो दे रखा है द डायरेक्शन ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ट्रांसफरड एज पर द ऑफ द एक्ट इनटू सेपरेट फंड मींस पोस्टपोनिंग ऑफ ट्रांसफरई राइट्स टू द बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफरड लाइक द पॉसपोन

एक्यूमुलेशन हो सकती है पॉसिबल है सेक्शन सेवेंटीन में बता दिया फेयर एनफ़

अब यहाँ पे बी जो है आ, उसने जो है प्रॉपर्टी के से कहा कि भाई एक्यूमिलेशन लेना है ए को पच्चीस साल के लिए ले सकता है ठीक है ट्वेंटी फाइव ईयर्स का बता दें ट्वेंटी फाइव ईयर्स को ले सकता है ठीक है अब ट्वेंटी फाइव ईयर्स हो गया जो टाइम दे रखा है या फिर लाइफ टाइम ऑफ दी ट्रांसफर जब तक ए जिंदा है अब मान लो यहाँ पे ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी बी को और यहाँ पे ये तीन साल के बाद ही मर गया ठीक है तो तीन साल उसने प्रॉपर्टी का इनकम ली प्रॉपर्टी से एक्यूमलेट करी इनकम और तीन साल बाद वो मर गया तो अब कितना और देना होगा प्लस फिफ्टीन ईयर क्योंकि 18 साल या फिर लाइफ टाइम ऑफ दी ट्रांसफर तो यहां पे तीन साल लेने के बाद इनकम को वो मर जाता है तो 15 साल और 18 साल मतलब दैट इज अ रूल जो बता रखा है 18 इयर्स ले सकते हो या फिर लाइफ 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 ऑफ ऑफ दी दी टाइम जो भी उसमें ज्यादा है राइट तो यहां पे तीन साल प्लस पंद्रह साल अठारह साल हो गया तो दे दिया अब मान लो अगर ए है वो जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है बी को और यहां पर पच्चीस साल में मर जाता है ठीक है, पच्चीस साल में मर जाता है तो क्योंकि अट्ठारह साल वाला जो रूल है वो फॉलो हो रहा है तो यहां पे पच्चीस साल के बाद मर या बाईस साल में वो मर गया तो अठारह साल वाला रूल फॉलो हो रहा है और यहाँ पे लाइफ टाइम अभी ट्रांसफर वाला भी रूल फॉलो हो रहा है तो उसके बाद उसको पैसे देने की जरूरत नहीं है उसके बाद उसको उस एक्युमिले, करके इनकम देने की प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जरूरत नहीं है आई होप इट इज क्लियर क्या कहता है यहाँ पे दोबारा समझो इस चीज को ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी बी को ठीक है इस इस प्रॉपर्टी का जो है उसको करके इनकम ए को देना है ट्रांसफर को देना है ये रूल है ठीक है ऐसा अलाउड है आपका सेक्शन नंबर सेवनटीन में अब यहां पे क्या कहता है कि मान लो ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी और पच्चीस साल के लिए ट्वेंटी फाइव ईयर के लिए ठीक है ट्वेंटी फाइव ईयर के लिए लिए आप उसको इनकम दोगे या फिर ए जब तक जिंदा है लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफर ए जब तक जिंदा है आपको प्रॉपर्टी दोगे अब मान लो यहाँ पे ए ने तीन साल कलेक्ट किए और तीन साल बाद में वो मर गया तो कब तक प्रॉपर्टी एक कट वो देना एक्यूमुलेशन देना इनकम का प्लस पंद्रह साल क्योंकि अठारह साल वाला रूल या फिर लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफर वो आपको देना होगा ठीक है जो भी ज्यादा है विच एवर इज लॉन्गर यहाँ पे भी लिखा हुआ इज लॉन्गर अब यहाँ पे कहता है कि मान लो ए जो है उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी बी को और यहाँ पे वो बाईस साल

डायरेक्शन दिए जा सकते हैं एक्यूमुलेशन के उसके भी अगर डायरेक्शन दोगे तो वो डायरेक्शन आपका वॉइड माना जाएगा अब इसके कुछ एक्सेप्शन हैं एक्सेप्शन क्या हैं पहला पेमेंट ऑफ डेट्स अब ये पेमेंट ऑफ डेट्स क्या है कि मान लो ए ने प्रॉपर्टी दी बी को और यहाँ पे इस प्रॉपर्टी से ए के कोई आ, या फिर कोई पर्सन जो इंटरेस्टेड है इस प्रॉपर्टी में उसके कोई डेट्स देने हैं

चिल्ड्रन के लिए वाइफ के लिए तो आपका एक्यूमुलेशन का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा रेजिंग अ पोर्शन मींस प्रोवाइडिंग अ पोर्शन ऑफ इनकम फॉर मेंटेनेंस नो इफ द पर्पस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम ऑन द प्रॉपर्टी ट्रांसफर इज टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू चिल्ड्रन डिस्टेंस रिलेटिव ऑफ द ट्रांसफर और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द ट्रांसफर तो उस पर्टिकुलर केस में एक्यूमुलेशन वाला रूल फॉलो नहीं होगा एंड दैट इज वाई आपका आ, आपका फॉल करता है एक्सेप्शन थर्ड एक्सेप्शन इज प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई है उसको बोल दिया गया कि भाई इसमें इस दस इस परसेंट जो, जो है आपको लगाना ही लगाना है प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने करने में करने में मेंटेन तो इसमें आपका वो रूल एप्लीकेबल नहीं होगा अठारह साल वाला या लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफर वाला ठीक है तो यहाँ पे एक्सेप्शन में फॉल करता है इन द इवेंट द इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी वॉज डायरेक्टेड टू बी बीमलेटेड फॉर दी पर्पज ऑफ प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस के लिए आपने ये लगाया है आ, ये कहा है कि आपको 10 परसेंट देना है फॉर एग्जाम्पल हमारे वाले एग्जाम्पल में तो उस पर्टिकुलर केस में जो 18 साल वाला रूल है या लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफर वाला रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा ये उसका एक्सेप्शन माना जाएगा सेक्शन 17 तब आपका उस पर लागू नहीं होगा सो so, ये कुछ आपके एक्सेप्शन दे रखे हैं सेक्शन नंबर सेवनटीन में आई होप आपको समझ में आया होगा सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई इन टूडे सेशन एक इंपॉर्टेंट चीज कि आपको अगर जेनुनली इससे ज्यादा डिटेल में और आपको सारे ही सब्जेक्ट्स अच्छी तरीके से कवर अप करने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, से, तो से तो कराई, कराई जुडिशियल आपको यहां पे हैंड नोट्स लेक्चर नोट्स डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाती है एक मेंटर प्रोवाइड किया जाता है जो आपको इस पूरी जर्नी में हेल्प करता है और साथ में आपको यहाँ पे वीकली सेशन मिलते हैं आंसर राइटिंग के जजमेंट राइटिंग के ट्रांसलेशन सिखाई जाती है जीएस जी कवर कराई जाती है इस लाइफ फाउंडेशन में लीगल करंट अफेयर जनरल करंट अफेयर भी कवर कराया जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सो so, अगर आप जेनवेली सीरियसली टारगेट कर रहे हो किसी भी स्टेट जुडिशियल एग्जामिनेशन को ट्रस्ट मी जस्ट गो एंड एनरोल टू दिस लाइफ फाउंडेशन बैच और लाइफ फाउंडेशन बैच में एनरोल करते टाइम अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो यूज करें प्रोमो कोड थ्री लाइफ फॉर दी मैक्सिमम डिस्काउंट आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं इन जस्ट रुपीज ट्वेंटी फोर थाउजेंड ट्रिपल नाइन ये कोर्स की वैलिडिटी रहेगी दो सालों के लिए एक साल में आपका पूरा कोर्स कवरअप करा दिया जाएगा और नेक्स्ट एक साल के लिए आपके पास इस कोर्स का एक्सेस रहेगा आप मल्टीपल टाइम्स वीडियोस को देख सकते हैं और फिर भी कोई डाउट हो आपको या फिर आपको आज के सेशन की पीपीटी चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं हैं टेलीग्राम पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रीमित श्रीवास्तव के नाम से सिमिलरली इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सेम यूजर नेम से नाउ आपको किस तरीके से कोर्स परचेज करना है आई वुड लाइक टू शो यू कि किस तरीके से आपको कोर्स परचेज करना है जस्ट अ मिनट सी आप यहाँ गूगल पे जाएं ठीक है जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट पे स्टडी आई क्यू के कि आपको यहाँ पे लाइफ फाउंडेशन बैच और साथ में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल रहे हैं लाइफ फाउंडेशन बैच है और ये आपका रिकॉर्डेड क्लासेस है महापैक या फिर स्टेट स्पेसिफिक कोर्स कोई भी कोर्स परचेज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए श्री लाइफ का प्रोमो कोड इस्तेमाल करो और सारे ही कोर्स पे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा सिर्फ इसी कोर्स से एक कोड याद रखना है लाइफ नॉट टॉकिंग अबाउट आपका आ, ये जो कोर्स है लाइफ फाउंडेशन बैच यहां पे जो कोर्स आपको फोर्टी थाउजेंड रुपीज का दिखा रहा है आप खुद से देख सकते हैं जहां पे जाके आप प्रोमो कोड अप्लाई करें स्ट्री लाइफ जैसे ही आप श्री लाइफ प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे आपको यहां पर मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट सी यहां पर जैसे ही जाके आप लगाएंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट आई डोंट नो कीबोर्ड क्यों नहीं चल रहा है यहाँ पे आपको लगाना है श्री लाइव का प्रोमो कोड और आपको ये कोर्स मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ तेईस हजार नौ सौ निन्यानवे चौबीस हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए में राइट तो यहाँ पे इस जगह आप देख सकते हो इस जगह यहाँ पे आप अप्लाई प्रोमो कोड करो और यहाँ पे श्री लाइव लगाओ एस एच आर आई एल आई ई इससे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा जैसे आप अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे ये कोर्स मिल जाएगा चौबीस हजार नौ सौ निन्यानवे का क्लासिस की बारह जुलाई से स्टार्ट होने वाली है बैच टू बैच वन का बहुत ही अच्छा फीडबैक रहा तो यू मस्ट गो एंड एनरोल टू फाउंडेशन बैच कोई भी डाउट हो कोई भी इशू हो यू कैन कनेक्ट मी